बॉलीवुड ड्रग्स व्यवहार में एनसीबी दूकुड़ पेंचंदे हीरोइन दीपिका पदुकोने श्रद्धा कपूर सारा अली खान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विचारिंचंदी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस अधिकारलु दीपिकानु प्रश्निंचारु सारा अली खान श्रद्धा कपूर बलराड एस्टेट एनसीबी कार्यालय में वेर्वेगा विचारण जरिपारु दीपिकाकु एनसीबी प्रश्नल वर्षं कुर्पिंचंदे करिश्मातो संबंधालु एला उन्नायि व्यक्तिगत विषयालु चेप्तारा ड्रग्स कोसं करिश्मातो चाट चेसारा लेदा अनी एनसीबी दीपिकानु प्रश्निंचदे अयिते दीपिका पोंतनलेनी समाधानालु चेप्पिनट्लु समाचारं इक 2017 लो ड्रग्स कोसं दीपिका चाटिंग चेसिनट्टु एनसीबी गुर्तिंचदे अयिते 6 गंटल विचारणलो एनसीबी पेद्दगा समाधानालु राबट्टलेकपोयिंदि दींतो मरोसारी विचारणकु पिलवनुंदि बॉलीवुड हीरोइन दीपिका पदुकोने सारा अली खान करिश्मालनु एनसीबी प्रश्नल वर्षं कुर्पिंचिंदे दादापु 6 गंटल पाटु दीपिकानु विचारिंचारु एनसीबी प्रश्नल ताकिडिकी ओकानोक समयंलो दीपिका उक्किरि बिक्किरैंदि मीरु ड्रग्स वाडुतारा लेदा ड्रग्स कावालनि करिश्मातो चाट चेसारा लेदा तरचू जरिगे ड्रग् पार्टीलकु मीरु हाजरवुतारा लेदा सुशांत फाम हौस् लो जरिगे ड्रग् पार्टीलकु मीरु वेल्लारा लेदा करिश्मातो मीकु वृत्तिगत సంబంధమేనా లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉన్నాయా లేదా 2017 లో మాల్ హైక్యా అని మీరు కరిష్మాకు మెసేజ్ పెట్టారా లేదా రియా మీ పేరు చెప్పింది ఎవరెవరు పార్టీలకు అటెండ్ అయ్యారో చెప్పండి మీరు ఎవరికైనా డ్రగ్స్ అందచేశారా అని ఎన్సీబీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది సారా శ్రద్ధలకు కూడా ఎన్సీబీ ఈ ప్రశ్నలే సందించినట్టు తెలుస్తోంది तो पीछे हो जाए यार कैमरा का उड़ा मिरर थोड़ा पीछे हो जाए यार अरे यार मिरर घुसा पड़ा है उसमें अरे पीछे होके पूछ ले यार The investigation which has happened so far, their testimony, their appearance, their has it really helped the investigation so far? This is a very general question, but I would like to say that we have arrested more than 18 or 19 people, and the American court has upheld our report, and so most of the cases are now in the high court. So obviously there has been some. बॉलीवुड हीरोइन दीपिका पदुकोने सारा अली खान करिश्मालनु एनसीबी प्रश्नल वर्षं कुर्पिंचिंदे दादापु 6 गंटल पाटु दीपिकानु विचारिंचारु एनसीबी प्रश्नल ताकिडिकी ओकानोक समयंलो दीपिका उक्किरि बिक्किरैंदि मीरु ड्रग्स वाडुतारा लेदा ड्रग्स कावालनि करिश्मातो चाट चेसारा लेदा तरचू जरिगे ड्रग् पार्टीलकु मीरु हाजरवुतारा लेदा सुशांत फाम हौस् लो जरिगे ड्रग् पार्टीलकु मीरु वेल्लारा लेदा करिश्मातो मीकु వృత్తిగత సంబంధమేనా లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉన్నాయా లేదా 2017 లో మాల్ హైక్యా అని మీరు కరిష్మాకు మెసేజ్ పెట్టారా లేదా రియా మీ పేరు చెప్పింది ఎవరెవరు పార్టీలకు అటెండ్ అయ్యారో చెప్పింది మీరు ఎవరకైనా డ్రగ్స్ అందచేశారా అని ఎన్సీబీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది సారా శ్రద్ధలకు కూడా ఎన్సీబీ ఈ ప్రశ్నలే సందించినట్టు తెలుస్తోంది देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं आज हमने आज 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया करिश्मा प्रकाश
दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुमारो। That is all I have to say to you. जो बाकी चार लोगों को लगता है हमको फिर से बुलाया गया है। आज जो पूछताछ थी सर, सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान, श्रद्धा यहाँ पर आए थे। मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अभी किसी को एक बंदा वन प्लीज नहीं, अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इश्यू किया गया सर। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। आज हमने आज चार व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। He will be produced before the honorable court tomorrow. That is all I have to say to you. जो बाकी चार लोगों को लगता है हमको फिर से बुलाया गया है। आज जो पूछताछ थी सर, सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान, श्रद्धा यहाँ पर आए थे। मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अभी किसी को एक बंदा वन प्लीज नहीं, अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इश्यू किया गया सर। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं, आज हमने आज चार व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुमारो। दैट इज ऑल आई हैव टू से टू यू। जो बाकी चार लोगों को लगता है हमको फिर से बुलाया गया है। आज जो पूछताछ थी सर, सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान, श्रद्धा यहाँ पर आए थे। मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अभी किसी को एक बंदा वन प्लीज नहीं, अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इश्यू किया गया सर। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं, आज हमने आज चार व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट।
ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुमारो दैट इज ऑल आई हैव टू से जो बाकी चार लोगों को लग के हमको फिर से बुलाया गया सर आज जो पूछताछ थी सर सेटिस्फैक्ट्री थी मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान श्रद्धा यहाँ पर आए थे मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा अभी किसी को एक बंदा बंद प्लीज नहीं अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इश्यू किया गया सर आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है काफ़ी रिकवरीज हुई है तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं आज हमने आज चार व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी मिस्टर क्षितिज के प्रसाद ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुमारो दैट इज ऑल आई हैव टू से जो बाकी चार लोगों को लग के हमको फिर से बुलाया गया सर आज जो सेटिस्फैक्ट्री थी मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान श्रद्धा यहाँ पर आए थे मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा अभी किसी को एक बंदा बंद प्लीज नहीं अभी किसी और को सम्मान इस समय नहीं इश्यू किया गया सर आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मान किया जा सकता है सर ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं काफी लोगों से पूछताछ हुई है काफी रिकवरीज हुई है तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे नहीं मैंने कहा ना मैंने किसी को सम्मान आज नहीं इशू किया सर सारा अली खान नहीं मैडम एज इट सेड आई कैनॉट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट वी विल पुट इट अप बिफोर द कोर्ट टुमारो मॉर्निंग सर अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी जो वीडियो है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी जी करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप नहीं नहीं उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं लेकिन अलग केस बनाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी नो स्पेशल नो स्पेशल सर सारा अली खान कहीं ना कहीं बोथ वेयर एग्जामिन इन बोथ दी केसेस सीआर 15 एंड सीआर 16 यस हाँ, आपने सही कहा 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया एंड दीपिका पादुकोण वाज ओनली एग्जामिन फॉर सीआई 15 यस वाज देयर एनी क्रॉस एग्जामिनेशन बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड करिश्मा प्रकाश नहीं नहीं दोस आर डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोस कैन नॉट बी शेयर सर हैज देयर बीन एनी स्टेटमेंट हमने सामने भी पूछा क्रॉस एग्जामिन भी किया गया मैंने आपसे पहले ही कहा ना ये जो आप सवाल कर रहे हैं इनका मैं जवाब नहीं दे सकता सर बस एक सवाल क्या करण जौहर वाली वीडियो आपने बोला इससे लेना देना नहीं है लेकिन क्या उस पे जांच होगी नहीं वो भविष्य की बात है इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हैव देयर स्टेटमेंट्स बीन हेल्पफुल इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सर द इन्वेस्टिगेशन व्हिच हैज हैपेंड सो फार देयर टेस्टिमनीज देयर अपीयरेंस देयर हैज इट रियली हेल्प्ड द इन्वेस्टिगेशन सी दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन बट आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव अरेस्टेड मोर देन आई थिंक 18 और 19 पीपल एंड ऑनरेबल कोर्ट हैज अपहेल्ड आवर रिपोर्ट्स And so most of the bails are now in the High Court. आज चार व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर एक व्यक्ति जिनको पूछताछ जिनसे पूछताछ हो रही थी मिस्टर क्षितिज के प्रसाद ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट He will be produced before the Honorable Court tomorrow. That is all I have to say today. जो बाकी चार लोगों को लग के हमको फिर से बुलाया गया सर आज जो पूछताछ थी सर सेटिस्फैक्ट्री थी मतलब जवाब दे रहे थे सारा अली खान श्रद्धा यहाँ पर आए थे मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा
वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अभी किसी को एक बंद है प्लीज। नहीं अभी किसी और को समन इस समय नहीं इश्यू किया गया सर। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। सारा अली खान कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं मैंने कहा ना, मैंने किसी को समन आज नहीं इशू किया। सर सारा अली खान नहीं मैडम, एज आई सेड आई कैनॉट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट वी विल पुट इट अप बिफोर द कोर्ट टुमारो मॉर्निंग। सर अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? जो वीडियो है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? जी करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? नहीं नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अलग केस बनाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नो स्पेशल, नो नो स्पेशल। सर सारा अली खान कहीं ना कहीं बोथ वेर एग्जामिन्ड इन बोथ दी केसेस CR-15 एंड CR-16। यस हाँ, आपने सही कहा, 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया। एंड दीपिका पादुकोण वाज ओनली एग्जामिन फॉर CR-15? यस। सो वाज देयर एनी क्रॉस एग्जामिनेशन बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड करिश्मा प्रकाश? नहीं नहीं, दोस आर डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोस कैन नॉट बी शेयर। सो हैज देयर बीन एनी स्टेटमेंट? हमने सामने भी पूछा, क्रॉस एग्जामिन भी किया गया। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इनका मैं जवाब नहीं दे सकता। सर बस एक सवाल, क्या करण जौहर वाली वीडियो आपने बोला इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उस पे जांच होगी? नहीं वो भविष्य की बात है, इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। Have their statements been helpful in the course of the investigation, sir? The investigation which has happened so far, their testimonies, their appearance, their has it really helped the investigation? See, this is a very general question, but I would like to say that we have arrested more than I think 18 or 19 people, and honorable court has upheld our reports, and so.